आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर पार्ट टू में। यदि अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो दोस्तों पहले पार्ट वन देखिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, और जो उसके आगे के क्वेश्चन हैं वो हम पार्ट टू में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह टीम जो ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची है। उसके बाद, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है, तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्ड। जो क्रिस्टियानो रोनाल्ड हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो इसका आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। जो जयप्रकाश रेड्डी हैं तेलुगु फिल्म के अभिनेता हैं, और उनका जो निधन है 74 साल की उम्र में हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। नेक्स्ट है, पिंच रेंटिंग के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था जितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर है 10.5%। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापन की विषय वस्तु के नियमन के बारे में जितने सदस्यों की समिति का गठन करना है, तो इसका आंसर है 3 सदस्यों की समिति। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने और उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय हेतु जितने सप्ताह का समय दिया है, तो इसका आंसर है 12 सप्ताह। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है असम। असम राज्य सरकार ने जो एक पुरानी योजना है स्वयं, उस योजना को फिर से लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है, तो ओडिशा जो राज्य सरकार है वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में वोडाफोन और जो आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को एक नया नाम रखा है, तो इसका आंसर है VI। जो VI कंपनी है वोडाफोन और आइडिया की संयुक्त कंपनी है, जिसका नाम उन्होंने कंपनी ने VI रखा है। नेक्स्ट, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी नियंत्रित यान प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, तो इसका आंसर है भारत। दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम चौथे देश बन गए हैं जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यान तैयार किया है। नेक्स्ट, भारत ने जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र में पुणे में निधन हो गया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। जो डॉक्टर गोविंद स्वरूप हैं रेडियो खगोल विज्ञान के जनक भारत के, उनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। नेक्स्ट, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता जो है, तो इसका आंसर है पीरे गैसली। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, तो इसका आंसर है विरुधुनगर। जो विरुधुनगर है
वह भारत का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला राज्य सॉरी जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट, जीवन बीमा कंपनी बजाज ओलियोंज ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है तो इसका आंसर है रूस। और नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिसको बैंक प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दी है तो इसका आंसर है मुरली रामकृष्ण। नेक्स्ट, जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया है तो जो आईएएस नितेश्वर कुमार हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी उनके प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जब मनाया जा रहा है तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, 7 सितंबर को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो इसका आंसर है नेपाल। जो नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री हैं युवराज खाटीवाड़ा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों लास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, ब्रिक्स खेल 2020 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है तो यह है भारत। भारत को ब्रिक्स खेल 2020 की मेजबानी सौंपी गई है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।